सऊदी अरब की हुकूमत अब नियोम सिटी के बाद दुनिया का एक और अजूबा बनाने जा रही है। इस अजूबे का नाम होगा अल मुकाब, जिसके मायने है क्यू, यानी कि एक डब्बा नुमा बिल्डिंग बनाने जा रही है सऊदी अरब की हुकूमत। और इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में। ना सिर्फ रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है, बल्कि मिडिल ईस्ट का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सऊदी अरब की हुकूमत के मुताबिक कोई भी शख्स जब इस बिल्डिंग अल मुकाब के अंदर घुसेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो अलग दुनिया में आ गया है। इस बिल्डिंग के अंदर सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से ग्रेविटी में भी छेड़छाड़ की जाएगी, मतलब कि आपको बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े स्टॉल्स हवा में उड़ते नजर आएंगे। इस बिल्डिंग की हाइट 1300 फुट से भी ज्यादा होगी और इस बिल्डिंग की चौड़ाई 1200 फीट से भी ज्यादा होगी। इस बिल्डिंग का कुल एरिया 20 लाख स्क्वायर फीट होगा। इस बिल्डिंग के अंदर 1,04,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे जिनमें लोग रह सकेंगे। इन 1,04,000 अपार्टमेंट्स के अलावा इस बिल्डिंग के अंदर 9,000 होटल रूम्स बनाए जाएंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा कि कोई भी आम शख्स इस बिल्डिंग को पूरा विजिट कर लेगा सिर्फ 15 मिनट के अंदर। सऊदी हुकूमत का ये दावा है कि वो इस प्रोजेक्ट को 2030 तक मुकम्मल कर लेंगे। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, जैसे कि नियोम सिटी और अब ये अल मुकाब। इन प्रोजेक्ट्स को बनाने का मकसद ये है कि अपनी इकोनॉमी को तेल से हटाकर टूरिज्म पर लाया जाए। ये बात तो आप सभी जानते हैं, सऊदी अरब की इकोनॉमी तेल पर चल रही है, ऑयल पर चल रही है। सऊदी अरब दूसरे ममालिक को तेल बेचता है और उससे पैसे कमाता है। लेकिन अब सऊदी अरब चाहता है कि हम ऑयल से पैसे ना कमाएं, बल्कि अपने मुल्क में नई नई चीजें बनाएं, टूरिज्म को फरोग दें, लोग हमारे मुल्क में घूमने के लिए आए और हम इस चीज से पैसा कमाएं। खैर नाजरीन, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।